I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so they don't. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरी पूरा हालत हो चुकी है खराब। वैक्सीन का जो फास्ट डोज मैं ली थी तो कुछ नहीं हुआ था इतना, मतलब बिल्कुल भी नहीं। खाली ये हाथ में मतलब थोड़ा सा दर्द था कि जैसे ये उठा नहीं सकते वैसा था एक दिन के लिए। लेकिन कल रात को आप बोलो, मैं सेकेंड डोज ले के इतना पूरा सर भारी, रात को मुझे लगा कि मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगी, एकदम ऐसा था। हाँ ओके थैंक यू, ये लेके आ रहा है। तो मैं एक्सपीरियंस किया हुआ था, बहुत ही बुरा रहा है मेरा। तो सूर्य ऐसे ही मुझे बोल रहे थे कि पैनाडोल एक ले ले तो ठीक हो जाएगा। सोने के टाइम में इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब सो गई उसके बाद मतलब ऐसा बीच बीच में किया ने से थोड़ा थोड़ा रो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ बेड से, मतलब हाथ पैर पूरा एकदम स्टिफ हो गया एकदम। तो फाइनली सुबह, अभी मॉर्निंग का टाइम है एक्चुअली, तो सूर्य बोले कि अभी कोई लेट नहीं हुआ है तो मेडिसिन ले ले। तो फाइनली मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ब्रेड एंड दूध पी के मेडिसिन ले लेती हूँ। जब मेडिकल गई थी ना तब पूछ के मैं आई थी कि, तो बोल रहे थे कि आप खा सकते हो पैनाडोल, ओनली पैनाडोल ही अलाउड है, बुखार बुखार कुछ है नहीं। लेकिन रात को मुझे ऐसा लग रहा था कि जोर से, मतलब जैसे कि ठंड लगता है ना वैसा। सूर्य कुछ आपको ठंड लग रहा है क्या? सूर्य बोले कि नहीं मुझे नहीं ठंड लग रहा है। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर इतना नहीं था, लेकिन जैसे शिवरिंग का होता है ना उस टाइप का हो रहा था। एंड सोने के बाद पूरा एकदम बॉडी अल्लाह ही नहीं कर रहा था कि उठने के लिए। तो मॉर्निंग भी इसके चक्कर में मुझे उठना पड़ता है, कियान के चक्कर में उठ के एकदम मुझे पहले ही उठाता है। तो उठता गई हूँ, देखती हूँ काम हो पाता है कि नहीं पूरा दिन का काम। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा मेडिसिन खाती हूँ, फिर आप लोग से मैं बात करती हूँ। A few moments later. अभी है इवनिंग का टाइम। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि लास्ट व्लॉग में मैं जो दी थी ना कि फिश फार्म से हम दो फिश लेके आए थे, बड़ा बड़ा दो, तो वो एक दिन में ही मर गया। मतलब आज रात को एक मर गया, नेक्स्ट डे और एक दूसरा, तो दोनों का दोनों मछली पूरा मर गया, पता नहीं कैसे। तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो सूर्या को बोले थे कि नहीं कियान के लिए दूसरा जो एक्वेरियम में प्रॉपर रखने वाला वो टाइप का फिश लेके आएंगे। शायद से वो खाने के लिए जो तिलापिया फिश है ना वो है, तो वो जो फिश बाउल में शायद से फिट नहीं आया या फिर क्या हुआ समझ में नहीं आया, लेकिन वो मर चुका है। तो फाइनली मैं सूर्या को बोलती कि लेके आएंगे, लेकिन अभी तक बाहर नहीं गए थे। लेकिन बाय लक सूर्या का कोई कॉलिग्स, मतलब सूर्या का कोई इंजीनियर, उनका भी थोड़ा शौक है एक्वेरियम का। तो ऐसे ही सूर्या देखे कि वो एक्वेरियम लाते हुए, उनसे सूर्या बोले थे कि थोड़ा सा मतलब हेल्प करने के लिए कि कियान के लिए कैसे चूज करे ताकि जो रह सके फिश। तो फाइनली वो भैया जो है तो वो लेके आए हैं फिश कियान के लिए। कौन? What is this, papa? Oh my god, five fish, huh? Kunu, what is that? देखो बेटू, fish, fish, रब पता। Wait. How small is this? Fish. don't touch, kia. Fish. Fish ball, what is that? Fish ball, kia? तो फाइनली सूर्या को देखिए कि हमारा जो फीस है आ चुका है, देखिए ये रहता है कि नहीं। तो उसका क्लीनिंग व्लीनिंग सब चालू हो रहा है अभी, तो मैं दिखाती हूँ कैसे क्या उसको अगेन करते हैं हम। तो अभी मिस्टर सूर्या मतलब पता नहीं खुद को क्या समझ रहे हैं, तो पूरा फिशरमैन बने हुए हैं। यहाँ पर अगेन हमारा क्लीन व्लीन करके यहाँ पर ठंडा पानी डाल रहे हैं हम। ठंडा अच्छा टेम्परेचर ज्यादा मतलब इस बार ही। एंड ये एक मैं लाई थी, क्योंकि ये बाउल जो आप देख रहे हो ना ये ऑलरेडी मैं पहले से ला के रखी हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं एक कैट फिश पहले रखी थी जो ब्लैक कलर का, गिफ्टेड बाय एकता, वन ऑफ माय फ्रेंड। तो वो थोड़ा छोटा हो रहा था जो बाउल था एकता का, तो इसलिए बड़ा बाउल लाए थे। एंड पानी चेंज करने के लिए मैं इसको भी ला के रखी थी, तो शायद से काम आ जाएगा ये आज। एंड एक्चुअली अच्छा लगता है फिश रखना, पहले भी हमारे पास फिश था जो कि एक डेढ़ साल तक तो रहा, फिर वो मर गया। तो ये देखिए छोटे छोटे छह पीस, सिक्स पीसेस, पहले उससे निकाल दिए हम, फिर ऐड करेंगे ये फिश बाउल में। कौन दिख नहीं रहा है? हाँ ये रहा, छोटा छोटा, बहुत छोटा है एक्चुअली। तो ये रहा हमारा फिश, बहुत छोटे एक्चुअली, जो इससे पहले जो था काफी बड़ा था। एंड पहले जो हमारे पास था वो था कैट फिश। तो अभी मतलब एक्सपायरी है ना, तो देख लो ये जो
गोल्ड फिश का फ्लेक है ना, ये ऑलरेडी हमारे पास था, पहले से लेके आए थे हम इसको, तो ये काम आ गया एंड दूसरा भी लाएंगे अभी हम। फीस देखना इसको, बस 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 ज्यादा मत दो। वैसे फ्रेंड्स हम अभी कियान को लेके पार्क थोड़ा आ गए, क्योंकि बच्चे को क्या पता क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मॉर्निंग का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं आपको क्या बताई, मैं आपको बता रही थी ना कि मेडिसिन खा के थोड़ा रेस्ट करूंगी, तो ऐसे कियान को खाना खिला के मतलब कियान को लॉन्च करवा के मैं भी मेडिसिन खा ली थी, उसको सुलाते टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि मैं एकदम सो गई विद इन 5 मिनट एंड 4:30 तक मैं ऐसे सोती रही, जब सूर्य मुझे आके उठाए कि बिना खाना खाए तो सोई हुई है, तब जाके एकदम से मेरा नींद टूटा कि अरे अरे मैं तो नहीं खाई हूँ अभी तक, तो फिर जाके मैं खाना खाई, एकदम इवनिंग हो गया था खाना खाते खाते, फिर थोड़ा सा आधा एक घंटा बाद मुझे थोड़ा ठीक लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊंगी, एंड कियान को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऐसे टाइम में, क्योंकि कुछ भी हो जाए कियान को पेशेंस रख के उसको खाना खिलाना पड़ता है, जो कि बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए। फिर सूर्य आके मुझे ये बताए कि घर पे बैठे बैठे शायद से ज़्यादा भारी हो रहा है दिमाग, तो कियान को लेके थोड़ा बाहर जाएंगे तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा एंड मुझे भी, तो इसलिए सोचा कि एक अच्छा आइडिया है, एंड फिर निकल गए हम लोग कियान को लेके थोड़ा प्ले एरिया में जो कि हमारे घर के एकदम ही नज़दीक है। लास्ट टाइम एक बार हम यहाँ पर विजिट किए थे तभी हम कियान का एक कार्ड बनाए थे ये वाली प्ले एरिया में, एंड कियान का बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया से तुरंत ही आया है ना कियान अभी, तो उसको ऐसे खेलना बहुत पसंद है एंड वो चाहता है कि सबके बीच में रहे, तो घर पे पूरा एकदम बोर हो रहा है, उसको अकेला फील कर रहा है, जब भी किसी को भी देखता है ना एकदम खुश हो जाता है एंड वो चाहता है कि कोई उसके साथ खेले, तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा एंगेज करके रखे, चाहे उसको बाहर ले जाना हो गया या फिर कोई प्ले एरिया या फिर पार्क, तो उसको बहुत ही मजा आता है, तो हम वैसे तो और वीकेंड में तो बाहर निकलते ही है, उसके अलावा एक दो बारी हम बीच में जानबूझ के उसको बाहर निकालते हैं ताकि उसको ये ना लगे कि इंडिया से आके एकदम ये घर पे बंद होके रहा है, तो बस कल वर्किंग डे है तो बहुत कम टाइम उसको खेलने दिए हम लोग, फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं घर। फ्रेंड्स विद दिस आई एम एंडिंग द ब्लॉग, यू सी यू सुन इन द नेक्स्ट ब्लॉग, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना शेयर भी कर लेना एंड चैनल पर न्यूली विजिट करो देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल विद मम्मस वर्ल्ड किया।